हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वाईफाई जैमर को यूज़ करते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप से। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये नोटिस पढ़ लें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और काइंडली इसको इलीगल एक्टिविटीज़ में ना ही यूज़ करें। तो चलते हैं कि वाईफाई जैमर को के लिए हमें कौन से डिवाइस और सॉफ्टवेयर रिक्वायर होंगे। तो डिवाइस की बात करें तो डिवाइस का नाम है NodeMCU ESP8266, ये इसका नाम है। ये आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी आप इसको ख़रीद लें। और जो सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर है वो आर्डिनो IDE रिक्वायर है, वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डिवाइस होगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा और उसका नाम होगा NodeMCU ESP8266। तो जो रिक्वायर थिंग्स हैं इसको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ, वो है एक डेटा केबल आपके पास होनी चाहिए और एक डिवाइस, आर्डिनो डिवाइस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। केबल, ये वाली डेटा केबल और एक ये वाला आर्डिनो डिवाइस। तो चलिए देखते हैं इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट यहाँ पे हो गई। तो और कनेक्ट करने के बाद आपके पास वाईफाई, एक वाईफाई का नाम आएगा PWNED इसके नाम से और पासवर्ड उसका बाय डिफॉल्ट होगा ये वाला, बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड ये होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वाईफाई में जाना पड़ेगा और इस नेम से वाईफाई होगा, इस नेम से, और यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं, यही वाला पासवर्ड जो ये वाला है, यही वाला, और इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको यस कर देंगे। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे नीचे ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये IP टाइप करनी है अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में। तो चलिए उसको भी करते हैं टाइप। वन सिक्स फोर ये वाली आईडी हमने टाइप की और यहाँ पे इंटर कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हम इंटर करेंगे हमारे पास ये एक वार्निंग आएगी। तो इसको हमने यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जाना है स्कैन में। जैसे स्कैन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई सारे आ जाएंगे। तो PTCL BB ये मेरा है तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, ये मेरा वाईफाई है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर अटैक्स में जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे अटैक्स में जाऊँगा यहाँ पे तीन डिफरेंट तरीके अटैक्स हैं। सबसे पहले ये वाला अटैक हम ट्राई करते हैं यहाँ पे और इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये डिवाइस ऑन हो गया। अब इसको यहाँ पे ये देखो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, डिवाइस ऑन है तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइस को स्टॉप यहाँ पे करते हैं, स्टॉप किया यहाँ पे हमने तो ये डिवाइस ऑफ हो गया।
ये डिवाइस ऑफ हो गया, तो देखते हैं यहाँ पे अब वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये वाई देखें यहाँ पे ये कनेक्ट है और यहाँ पे नेट चला के देखते हैं हम। ये यहाँ पे नेट चल रहा है, तो ये YouTube आ गया। ये YouTube भी चल रहा है, ये वाला यहाँ पे YouTube भी चल रहा है, ये YouTube चल रहा है यहाँ पे। और ये वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे फिर से हम इस डिवाइस को ऑफ ऑन करते हैं। जैसे ही डिवाइस को ऑन किया यहाँ पे, तो ये डिवाइस ऑन हो गया। अब इसको यहाँ पे ये देखो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। तो बस यही था कि कैसे हम अपना वाईफाई जैमर को कनेक्ट करें और उसको यूज़ करें।